डियर स्टूडेंट्स, आजकल अधिकतर स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें दो बहुत बड़ी चिंताएं हैं, कंसर्न है। एक ये कि सर पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करें, कैसे समय का विभाजन करें, कितना परसेंट पीटी पे दें, मेंस पे दें, कि पीटी भी हो जाए मेंस की भी तैयारी थोड़ी बहुत हो जाए, और करंट अफेयर्स कितना पीछे का करें, इस पे बात करेंगे। इससे पहले एक चाणक्य बैच की घोषणा हमने की थी और मात्र 6 घंटे हमने नंबर को खोला और देखा कि वो 20 छात्र आ गए जो जेन्युइन थे, जिन्होंने ये दिखाया कि सर कुछ भी बोलिएगा मेहनत करने को हम तैयार हैं। हाँ, मेहनत तो आप सभी करना चाहते हैं, बट ये पहले आ गए तो चाणक्य बैच में 20 स्टूडेंट्स फुल हो गया। हाँ, यहां पर एक सतही नाम हम सबके अभी ही बोल देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी इसमें छुपा नहीं है। जैसे देखिए, इसमें विनीता दो नाम की है, विनीता है नालंदा की, विनीता है भोजपुर, रेणु है, गौरव है, स्नेहा सिंह है, मनीष है, शुभम है, मुन्ना कुमार है, संतोष है, तान्या है, प्रदीप सिंह है, स्नेहा है, स्नेहा दो है, एक कटिहार की है, और एक और शिवम है, सौरभ है, सुधाकर है, और खगड़िया की स्नेहा है, साथ ही एक मानसी है, शायद इनका नाम क्लियर नहीं हो रहा है, और एक नेहा है दुमका की। दो लोगों ने अभी तक मोबाइल नंबर केवल दिया है, अपना नाम और जिला अभी तक क्लियर नहीं किया है। ये सब नाम हम फिर से आपको बता देंगे ताकि पहले से क्लियर हो जाए कि ये लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम सर जी तोड़ मेहनत करेंगे और इन्होंने इस बैच को ज्वाइन किया है। मेरी आशा है कि इसमें से 20 में से 19 हम नहीं होने देंगे, प्रयास मेरा ऐसा रहेगा, क्योंकि सभी बहुत जी तोड़ मेहनत करने वाले जोशीले छात्राए हैं और इन्होंने कहा कि सर जी जान लगा देंगे। आप सभी जी जान लगाने वाले हैं, दिक्कत ये होती है कि माइंड में कई बार गाइडेंस अच्छा नहीं होने के कारण इधर उधर की बातें बैठ जाती। कथन वाले प्रश्न कहां से करें सर? अब कथन वाले प्रश्न को लेकर के क्यों चिंतित हो रहे हैं? वो CDPO का पैटर्न था, BPSC का पैटर्न कथन वाला नहीं है। हाँ, 1-2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कथन वाले, स्टेटमेंट वाले, उसके लिए आप कौन सा बुक पढ़ेंगे? हाँ, फिर भी अगर इतिहास की बात है तो NCERT पढ़ लीजिए 11th और 12th का, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्टोरियन के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, कम से कम इतना कर लीजिए। ऐसे तो बताने को अब बहुत सारी बातें हैं, आदित्य शर्मा पढ़ लीजिए, सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, या बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम कर लीजिए, कितना पढ़िएगा। लेकिन अगर हिस्ट्री इतिहास की बात है, कथन हिस्टोरियन के समझ को विकसित करना चाहते हैं तो 11th और 12th का NCERT कर लीजिए, ओल्ड वाला बहुत हेल्पफुल है। साथ ही करंट अफेयर्स को लेकर माइंड एकदम क्लियर कर लीजिए, बहुत पुराना नहीं पढ़ा जा सकता है, कितना पढ़िएगा आप। फिर भी अगर सेफ जोन में रहना चाहते हैं, हमारे हिसाब से 1 जनवरी 2021 से लेकर के ऑनवर्ड्स अभी तक का कर लीजिए, 1.5 साल तक का कम से कम किया जा सकता है। 1 जनवरी 2021 से लेकर के ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स अभी तक का कर लीजिए, इतना काफी होगा। 2019-20 का करंट अफेयर्स करना संभव नहीं है, इतना करंट है कि फिर याद ही नहीं रहेगा और कंफ्यूजन हो जाएगा। सो 1.5 साल तक पुराना आप कर सकते हैं 1 जनवरी 2021 से आगे। साथ ही पीटी और मेंस को लेकर के मन एकदम क्लियर कर दीजिए, आपके पास स्टडी आवर है, पहले भी हम कह चुके हैं 30% मेंस पे दीजिए और 70% पीटी पे सेंट्रिक होकर के बिल्कुल ऐसी तैयारी कीजिए कि जिस तरह से आज बैच में हमने लिया है और हम लोग जिस तरह से प्रयास करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शपथ, ऐसी तड़प और ऐसी जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। घर बैठे आपका होगा, क्यों नहीं होगा। तो जो 20 छात्रों को हमने लिया उसके बाद हमने बंद कर दिया है नंबर को, अब इसमें हम कुछ नहीं लेंगे। हालांकि 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोबाइल नंबर डाला है, अभी तक अपने डिटेल्स नहीं दिए हैं, 18 का नाम हमने आपको सुना दिया है, आगे भी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेहनत कीजिए और बहुत ज्यादा भटकाव मन में मत लाइए। घर बैठे आप अपने सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। हाँ, कई बार ये हो जाता है कि घर का वातावरण सपोर्टिव नहीं रहता है, विशेषकर छात्राओं के सामने, कि घर वाले लोग कॉपरेट नहीं करते हैं और सीधे कहते हैं कि तुम्हारी नेक्स्ट ईयर तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे, इस साल निकालो, ये एक बड़ा दबाव होता है। दूसरी बात कहते हैं कि छात्र हम पैसा नहीं खर्चा नहीं करेंगे, छात्राएं घर में पढ़ना है पढ़ो अपने हिसाब से पढ़ो, कॉपरेट नहीं लोग करते, एक बड़ी समस्या है। और दूर दराज के गाँव में जो छात्र लोग रहते हैं या छात्राएं, फिर वहां पर उनके पास बहुत सारे सुविधाएं संसाधन की कमी हो जाती है तो भी दिक्कतें आती है। लेकिन हम फिर कहेंगे अगर मन में आपके अंदर ज्वाला है, अग्नि है, फायर है, तो आप रिजल्ट निकालेंगे जहां पर है, व्यक्तिगत पढ़ाई में, अपनी सेल्फ स्टडी से, लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर, खेतों पर क्यारी के नीचे बैठकर, और अपने चिंतन मनन से अपना रिजल्ट निकालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये सब मत सोचिए, संसाधन जिनको होता है जरूर उनको सहूलियतें मिल जाती है, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, कितना समय मिलेगा आपको, अभी BPSC अच्छा हुआ ये कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें भी एक सीट मिल गई
कि किस तरह से तैयारी करना है, और कुछ सेगमेंट जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, और कुछ लोगों के लिए साइंस भी काफी कठिन हो जाता है। तो इसे कैसे रीशेप अप करना है, आप अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हैं, वही सब बुक पढ़िए जो आपके पास है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हालांकि इस बार हमने एक नया बुक चलाया, वो भी एनसीईआरटी की है, मैकग्रा-हिल की, हमने एक ऐड किया है, और चूंकि हम उसे लेकर चलेंगे तो ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा, अपने से पढ़िएगा, हो सकता है इस बुक को भी आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो ये तो होता है। दूसरी बात, सीजीएल का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, दो दिन हो चुका है, वो आगे चल रहा है, बीपीएससी 25 तारीख से स्टार्ट होगा, जो सामान्य बीपीएससी का एक बैच चल रहा है 25 तारीख से स्टार्ट होगा, वो सब आगे चलेगा। कुल मिलाकर बैचेज आते हैं, यूट्यूब पे आता है, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, और सबसे बड़ा चिंता का कारण है कि आप पढ़ते हैं किसी दिन बहुत जोश से और अगले ही दिन डीमोटिवेट होकर सब छोड़ देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक दिन एकदम से फायर, मन में अग्नि, एकदम ज्वाला भड़क रही है कि आज तो 24 घंटे पढ़ लेंगे, सोएंगे ही नहीं, और दूसरे दिन किसी ने कह दिया कि अच्छे अच्छे लोगों का रिजल्ट नहीं होता है। देखो तुम्हारे गांव के है, वो व्यक्ति है, प्रदीप है, अशोक है या अरुण है, कितना पढ़ने वाला है, कहां होता है, और तुम किस गली की मूली हो, तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होगा, और आप एकदम से डाउन हो जाती हैं या हो जाते हैं और पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, और इसीलिए हम कई बार पीट कोर्सेज चलाते हैं तो हम बोलते हैं हम सर पे तैनात रहते हैं। कंसिस्टेंसी आपको दूर तक ले जाता है, क्योंकि एक दिन भी आपने ब्रेक किया, उस ब्रेक को फिर से कंटिन्यू करने के लिए आपको कई दिन लग जाते हैं। एक बार आप डीमोटिवेट हो गए, फिर मोटिवेशन कहां है, कौन मोटिवेशन देगा बताइए, आपके घर में ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है, आपको कोई पढ़ने नहीं दे रहा, कहां से मोटिवेशन आएगा। वीडियोस देखिएगा, किसी दिन बहुत अच्छा लगेगा, अगले दिन फिर घर का माहौल अलग है या समाज का माहौल अलग है, आप डीमोटिवेट हो जाती हैं या हो जाते हैं। लेकिन अगर मन में तड़प है, ज्वाला है, कोने में बैठ के पढ़ने का चरित्र विकसित कीजिए, कि हमें लाख लोग रोकेगा लेकिन हम डेली 2-3 घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और कुछ नहीं है ना तो लूसेंट को पढ़िए, बार बार पढ़िए, या क्रॉन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बिहार स्पेशल ले लीजिए और एक साइंस लूसेंट का ही पढ़ लीजिए, या क्रॉन लूसेंट वाला जो जीके का बुक है उसी से साइंस पढ़ लीजिए, और अच्छा है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए, इतना भी करते चलिए ना। और करंट अफेयर्स के लिए वार्षिकी आता है, ईयरली मैगजीन आता है, कम से कम उतना कर लीजिए, आगे तो बढ़िए, इसकी बजाय कि मन में यह कुंठा बैठ जाए कि हमें कोई मदद करने वाला नहीं है। कोई किसी की मदद नहीं करता, आपके सबसे बड़े हेल्पर, मददगार आप स्वयं हैं, या आपके माता पिता, या आपके अपने भाई बहन, बाकी पूरी दुनिया आपका लेग पुलिंग करने के लिए, पैर खींचने के लिए तत्पर है, खड़ी है और बेचैन है। आप बताकर तो देखिए अपने पड़ोसी को कि आज आपने इतने घंटे पढ़ लिया, और देखिए फिर उनके जो सूरत शक्ल का जो नक्शा है, जो मैप है, वह कैसे बदलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप अपने किसी फ्रेंड को जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं या समझती हैं, बता के देखिए कि आज हमने 12 घंटे पढ़ा, और फिर फेस उनका रीड कीजिए, वो खुश नहीं होते हैं, कई बार दिखावे की हंसी आती है, अंदर से एक तरह का कॉम्पिटिशन निकल आता है कि इसने आज पढ़ाई की, हमारा क्या होगा, हम तो नहीं पढ़ रहे। तो आपको कोई नहीं हेल्प करने वाला है, आप सेल्फ हेल्प सबसे बड़ा अपना मदद करके आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, डीमोटिवेट मत होइए, हर बार ये ध्यान में रखिए कि डेली एक ही घंटा जरूर पढ़ेंगे। और कुछ नहीं समझ में आता है, लूसेंट या क्राउन तो कम से कम आपके पास होगा, उसे पढ़िए, एक अगर बीपीएससी दे रहे हैं या सीडीपीओ तो एक बिहार स्पेशल कर लीजिए, और साथ में करंट अफेयर्स का एक वार्षिकी ले लीजिए, एसपीडी ले लीजिए ना, वेरी सिंपल, एसपीडी मंथली आता है ब्लू कलर वाली, लेकिन वो वार्षिकी होता है, कम से कम धीरे धीरे उतना पढ़िए, फिर पता नहीं क्या कोई यूट्यूबर या कोई गाइड या कोई आपका पड़ोसी, कोई अंकल आपके, कोई भाई आपका, कोई आपका मददगार सामने खड़ा हो जाए और बोले कि चलो अच्छी पढ़ाई किया तुमने। आज ही एक छात्रा से हमारी बात हो रही थी और हम बिल्कुल स्टंड रह गए जब हमने उनसे प्रश्न करना चाहा, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वो लग रही थी और लग रहा था कि शायद इन्होंने पढ़ा नहीं है, और जब हमने प्रश्न करना शुरू किया, वन बाय वन सारे आंसर उन्होंने लगा लगा के एडिशनल देने शुरू किए। सोचिए, तो हिडन बहुत सारा टैलेंट आपके अंदर भी है, उसे बाहर निकलिए, और इतना अच्छा मौका मिल गया है, फिर से दो बड़ी वैकेंसी, सीजीएल की, बीएसएससी की आ गई है, सीजीएल 3 तृतीय स्नातक सचिवालय सहायक, बाबू साहब बनकर के पटना में सचिवालय में बैठ के नौकरी कीजिए। अब आप कहेंगे कि सर हमें कोई मदद करने वाला नहीं, तब कैसे होगा, तब इसी तरह से इधर उधर यहां भटकाव की स्थिति रही, और साथ में बीपीएससी आ गया, फिर से डेट मिल गया, और 2.5-3 महीने अभी कम से कम एग्जाम नहीं होगा,
तो बताइए कि आपका मददगार कौन है और आपका लेग पुलिंग कौन कर रहा है। स्वयं आप फैसला कीजिए, लग जाइए, जुट जाइए। कोई किसी की मदद नहीं करता है, आप अपनी मदद स्वयं करते हैं। टेक केयर।